दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने YouTube चैनल के लिए किस तरीके से प्लेलिस्ट बना सकते हो, और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बनाया है तो आप लोग तुरंत बना लो, क्योंकि जिस तरीके से आपकी वीडियो वायरल होती है उसी तरीके से आपकी प्लेलिस्ट भी वायरल होती है। जिस तरीके से आपकी YouTube वीडियो पे व्यू जाता है और उसी तरीके से आपकी प्लेलिस्ट पर भी व्यू जाता है, आपकी भी प्लेलिस्ट YouTube सर्च में जाती है, सजेस्ट में जाती है, और उसी के जरिए आपकी प्लेलिस्ट पर व्यू जाता है। और अगर आपकी प्लेलिस्ट पर व्यू जाएगा तो आपकी वीडियो पर भी व्यू जाएगा, और अगर आप अपनी प्लेलिस्ट में काफी सारी वीडियो ऐड कर दोगे तो आपके चैनल की रीच बढ़ेगी और आपके चैनल पे ज्यादा से ज्यादा व्यू जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और मैंने काफी सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। अगर मैं उनमें वीडियो ऐड करूंगा तो वो प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाने का और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आप लोग अलग अलग टाइप की वीडियो बनाते हो, जैसे कि आपने कोई कोर्स लॉन्च किया उसमें 2-3 पार्ट होते हैं तो आप लोग उन वीडियो को एक प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर आप लोग कोई भी नॉलेज देते हो, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हो, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, तो आप लोग अगर मल्टीपल प्लेलिस्ट बनाओगे तो आप लोग हर एक प्लेलिस्ट में अपनी अलग अलग वीडियो को ऐड कर पाओगे, जिससे आपकी ऑडियंस को आपके कंटेंट को ढूंढने में आसानी होगी। देन यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग YouTube को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक आइकन दिखेगा यू का, तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको एक आइकन दिखेगा प्लेलिस्ट, तो यहाँ से अगर आपने नहीं भी बनाया होगा फिर भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से व्यू ऑल के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको एक आइकन दिखेगा क्रिएट ए न्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग इन वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो, लेकिन ये देखी हुई वीडियो है तो आपको इसको यहाँ से स्किप कर देना है, एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने प्लेलिस्ट का टाइटल डालना है। तो यहाँ से आप लोग अपनी प्लेलिस्ट में जिस टाइप की वीडियो ऐड करोगे उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर टाइटल डालना है, जैसे कि यहाँ पर मैं डालूंगा वीडियो एडिटिंग, एंड इसके बाद में यहाँ से आपको पब्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर जो आपकी प्लेलिस्ट होगी वो यहाँ पर बन जाएगी। देन इसके बाद में आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको पैशन वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको कीवर्ड लगाना है, इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका टाइटल है आपको उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको कीवर्ड डालना है, जैसे कि यहाँ पर मैं डालूंगा वीडियो एडिटिंग कैसे करें, एंड वीडियो एडिटिंग 2024 वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल, देन आपको अपने हिसाब से डाल देना है। देन इसके बाद में यहाँ से आपको पब्लिक कर देना है, एंड इसके बाद में आपको अपनी प्लेलिस्ट में अपनी वीडियो को कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आपको अपने चैनल को यहाँ से ओपन करना है, एंड यहाँ पर जो आपकी वीडियो होगी उसके 3 डॉट के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको एक आइकन दिखेगा सेव टू प्लेलिस्ट, तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर जो आपकी सारी प्लेलिस्ट होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, एंड यहाँ से आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड अब जो आपकी वीडियो होगी वो आपके प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो आप लोग इसी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्लेलिस्ट बना सकते हो, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।